वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये मेरा एक कामिनी का पेड़ है, इसको मैंने ग्राफ्टिंग किया था, वी ग्राफ्ट। आप देख सकते हैं मिट्टी में से, अपने बीज में से उगा था ये वाला नीचे वाला पेड़, उसको मैंने ग्राफ्ट किया था। नीचे वाला देसी का है, यहाँ पे उसको मैं आज निकल के लाया हूँ। उसका टेप रूट काट दिया, अभी ये वाला काट देंगे थोड़ा थोड़ा, पॉट में फिट हो जाएगा तभी। नीचे वाला देसी का है, ऊपर वाला हाइब्रिड का है कामिनी। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो इसलिए नीचे एक ठीकरी के ऊपर थोड़ा बजरी दे देंगे, उसके बाद मिट्टी दे के फिर मिट्टी डालेंगे। ये वाला मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन है, 40% मिट्टी है और 30% रेत और 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% में थोड़ा नीम खली बोन मील मिला दिया हूँ मैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पोटिंग करेंगे। डाल दिया, अच्छे से मिट्टी को सेट कर लेंगे। नीचे वाला जो एयर पॉकेट है वो सब निकल जाए, उसके बाद पौधे को लगाएंगे। मिट्टी में मैं थोड़ा एंटी फंगल का पाउडर भी मिला लिया हूँ, क्योंकि मानसून चल रहा है, डर लग रहा है कहीं नीचे फंगस ना लग जाए, इसलिए थोड़ा एंटी फंगल भी मिला लिया हूँ मैं। और माफ़ी चाहता हूँ, बाहर बारिश हो रहा था इसीलिए मैं जो पेड़ को निकाल के लाया वो वाला रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और मिट्टी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा दबा देंगे मिट्टी को। एयर पॉकेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एयर पॉकेट रहने से फंगल लगने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। अच्छे से नीचे वाला गैप सब बंद हो जाएगा ऐसे दबा देने से। लग तो रहा है अच्छे से सेट हो गया। थोड़ा सा मिट्टी देके और थोड़ा थोड़ा दबा देंगे हाथ से, और फिर उसके बाद उसको पानी दे देंगे, किसी छायादार इलाके में रख देंगे। मैं सोच रहा हूँ दो दो पत्ती छोड़ के बाकी पत्तियाँ मैं काट दूँ, ताकि रूट को बढ़ने में आसानी हो। हाँ हो गया, ये पत्ते थोड़ा थोड़ा काट देना चाहता हूँ मैं जी। ये वाला भी काट देंगे, सभी पत्तियों की दो दो पत्ती छोड़ के बाकी पत्तियों को काट देंगे और पानी भी दे देंगे अच्छे से। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो ग्राफ्टेड पोर्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ग्राफ्ट हुआ है अच्छे से दिखाई दे रहा है। नीचे वाले स्टेम का कलर और ऊपर वाले स्टेम का कलर आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ से भी नीचे से कोई सूट निकला तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देसी और हाइब्रिड का मिक्स हो जाएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।